कक्षा 10 के सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे क्लास के माध्यम से आप व्रत के बारे में सारे डाउट क्लियर करेंगे और पेपरों के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो किसी भी व्रत पर आपकी मर्जी कितनी भी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि उसमें एक व्रत में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, जो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। और एक वृत्त की जो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये प्रश्न था जो आपके बन सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, बिंदु P आपका स्पर्श रेखा पर दिया गया है, O से जाने वाली एक रेखा जो Q को मिलती है, ये मिल गई, कहता है 12 है, तो PQ की लंबाई पूछ रहा, कह रहा है PQ की लंबाई, तो आप इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, ये लंब है और ये आपका कर्ण है। लंब और कर्ण दिया गया है, आपको आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। इसे आप इस तरह हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे इस एक वृत्त खींचिए और इस पर दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो? छेदक रेखा। ये देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही जो रेखा होगी ए बी, ये आपकी छेदक रेखा भी कहलाएगी। तो बड़ा आसान सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं हम, ये प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं। पहला प्रश्न मैंने अभी आपको बताया किस तरह से लगेगा, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहता है केंद्र का कोण कितना है? 110 अंश दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, वो चाहे कहीं पर भी बने। तो ये 180 है। अब इसमें कहता है कि आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये इतना है, तो PTQ मतलब कोण T के मान बताना है। तो ये 110 हो गया, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, तो 90 90 180 और 110, 90 90 180 और 180 और 100, 280 और 10, 290 के आसपास ही हो गया। अब ये आपके चतुर्भुज के, ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में आप घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका बिंदु टी निकल आएगा, टी कोण निकल आएगा। इस तरह इसमें देखिए, स्पर्श रेखा पर बनने वाला कोण 90 होता है, 90 होगा ये, 90 90 180 और 80 ये दिया गया है, ये टोटल 260 हो गया। और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, तो 360 में 260 घटा देंगे, तो जो 100 अंश आएगा वही आपका मध्य का कोण होगा। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न एक एक नंबर में आते हैं, आपसे बन जाने चाहिए। एक प्रश्न ये है, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं पेपरों में, कहता है 4 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BC और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो ये देखिए, पहले ये आपका एक त्रिभुज खींचा गया है, इसके अंतर्गत एक वृत्त है और इसकी रचना आप कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इस रेखा पर एक लंब डाला, फिर इसके बाद इस रेखा पर लंब डाला, ये आप कह सकते हैं कि किसी भी दो भुजाओं का अगर हम अर्धक कर देंगे, नहीं, किसी भी दो कोणों का अर्धक कर देंगे, तो उससे जो कटान बिंदु के द्वारा जो कोण मिलेगा उसके द्वारा हम अंतःवृत्त की रचना कर सकते हैं। तो ये प्रश्न वैसे महत्वपूर्ण है नहीं है,
अभी हम सिर्फ उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो पेपरों में आ सकते हैं। ये प्रश्न है ये आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है रेखाखंड 7.6 ये सेट स्क्वायर के द्वारा ये हल होगा। कहता है 7.6 और उसे 5:8 में विभाजित करो। तो जब 5:8 कह दिया तो आपको ये जो रेखा ये 7.6 की लेनी है। अब कहता है 5:8 में इसको विभाजित करना है, तो ये जो आपके रेखाखंड है ये आपने बिना किसी नाप के खींच दी, और 5:8 का मतलब यहाँ पे आप 5 और 8 13 सेंटीमीटर की, अगर ये दूरी सेंटीमीटर में भी है तो आपको इसे भी सेंटीमीटर में ही नाप के काटना है। इसके बाद में किसने कहा 5:8, तो एक निशान आप लगाइए 5 में और एक निशान लगाइए 13 में, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तक 5 है, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तक 8 है, लेकिन शुरू से गिने तो कितना हो गया 13 हो गया, और जो 13 वाला निशान है उसको आप यहाँ मिला दीजिए। इसके बाद में सेट स्क्वायर की सहायता से इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचिए, जो आएगा आपका वही आपकी माप हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आपकी ये रचनाएं भी हैं, ये इन रचनाओं को हम लोग बोर्ड के द्वारा बताएंगे। ये आपकी महत्वपूर्ण रचना है, इन रचनाओं को भी मैं बोर्ड में बताकर आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये रचना है महत्वपूर्ण, इसमें क्या कहता है 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले उसने एक वृत्त खींचने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आप एक वृत्त खींचिए, और वृत्त खींचने के बाद क्या कहता है 10 सेंटीमीटर दूर केंद्र से, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मानिए, इस बिंदु का नाम पी रखिए। इसके बाद में इस दोनों रेखा का अर्धक करिए, ये देखिए अर्धक है, अर्धक के बाद में जो कटान बिंदु आएगा उससे एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचने के बाद में जो जहाँ पर ये दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यही आपकी रचना हो जाएगी। इसी तरह ये संकेंद्री वाला भी आ सकता है। कहता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त, ये दो वृत्त एक दूसरे के संकेंद्री हैं। आगे कहते हैं इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप इस रेखा का अर्धक करिए, अर्धक के बाद में एक नया गोला तैयार करिए, नए गोले से जो रेखा खींच जाएगी वो इसकी अर्धक कहलाएगी। अति महत्वपूर्ण रचना है ये वाली, इन रचनाओं को मैं इस प्रकार आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं इसको बोर्ड में बताऊंगा आपको। ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन सारी रचनाओं को मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये सारी रचनाएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए।